वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपको क्रोम पर डाउनलोड पुश्ड ऐसे लिखा हुआ आता है तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है और इसके सल्यूशन क्या क्या हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें डाउनलोड पुश्ड भी दिखा रही है और नीचे हमें दिखाई दे रहा है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट। इसका मतलब हमारा जो डाउनलोड पुश हुआ है वो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की वजह से हुआ है। आपका ऐसा हो सकता है कि किसी और चीज़ की वजह से हुआ हो, तो उस चीज़ का सलूशन मैं आपको सबका ही बताऊंगा, तो ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है, अपना स्पेस देख लेना है आपके फ़ोन में कितना स्पेस है। अब जैसे 1 GB का कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 से 3 GB खाली होनी चाहिए, तभी वो उसको डालकर उसे पूरा डाउनलोड कर सकेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा भर चुका है तो आप डिलीट कैसे करें विदाउट किसी चीज़ को डिलीट किए, तो उसके लिए ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए। ठीक है, और जो यहाँ पर एप्लीकेशंस है सिर्फ उनका डेटा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ से बहुत सारा जो है डेटा क्लियर हो जाएगा। उन एप्लीकेशंस को करिएगा जिस पर आप दोबारा से सीधे के सीधे लॉगिन कर सकें, जैसे कि यूट्यूब लाइक। ठीक है, उसमें आप जितने भी दफ़े डेटा क्लियर करेंगे सिर्फ अकाउंट खोलना है और दोबारा आपका लॉगिन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका फेसबुक भी है, आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा और आपका सारा डेटा आपको वापसी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी एप्लीकेशंस होती है जिनका ड्राफ्ट वगैरह डिलीट ना हो उनको आप यहाँ पर डेटा क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेटा बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा, 10 अगर आपके पास 64 GB का तो कम से कम 5-7 GB खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपने क्रोम को आप खोल लीजिए फिर उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर खोलने के बाद ऐप परमिशंस पे जाइए और इस फाइल्स एंड मीडिया की परमिशन को एक्सेस दे दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से बैक ले आइए। और बैक लाने के बाद यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज आपका ये दोनों पर टिक लगा हुआ होना चाहिए, ओके होना चाहिए। यहाँ पर आपको इतना ही करना है, फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, ऐसे सर्च कर देते हैं हम। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पर दोनों पर टिक लगे रह के और ओके रहना चाहिए। इतना आपको यहाँ से करना है, फिर अपने फ़ोन को बंद करके खोलिएगा और डाउनलोड आपकी जो पुश होगी वो फिर स्टार्ट आप कर सकते हैं इजीली। उस सिचुएशन में बस अपने प्ले स्टोर में आप जो है अपने क्रोम को अपडेट करके रख लीजिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इतना आपको करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।